कराची से खबर है, लियारी में बिजली की अदम फराहमी पर अहले इलाका का एहतजाज। मुश्तिल मकीनों ने माड़ीपुर रोड ब्लॉक कर दी। एहतजाज के बाइस माड़ीपुर रोड के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। पुलिस के मुजाहरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। तो लियारी में बिजली की अदम फराहमी पर अहले इलाका की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुश्तिल मकीनों ने माड़ीपुर रोड को ब्लॉक कर दिया है। बिलाल नसीर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, ये मेन माड़ीपुर रोड है जो कि बलूचिस्तान से भी कनेक्ट करती है और हमसे भी जाती है। वहाँ पर लियारी के मकीनों ने बिजली, पानी और गैस की बंदिश के खिलाफ जो है वो आज एहतजाज किया, और एहतजाज के दौरान उन्होंने माड़ीपुर के जो दोनों ट्रैक्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची है। इब्तदाई तौर पर मुजाकरात की कोशिश की गई, ताहम जब मुजाहरीन से मुजाकरात नाकाम हो गए तो पुलिस ने उस पर शेलिंग की और 5 से 8 मिनट की शेलिंग में ही जो रोड है मुकम्मल तौर पर उसको क्लियर करा लिया गया, क्योंकि जो मुजाहरीन की तादाद थी वह इंतहाई कम थी। इस वक्त पुलिस की नफरी इलाके में तैनात है और पुलिस की मजीद नफरी भी तलब की गई है, और हुकाम का कहना है कि किसी सूरत माड़ीपुर रोड को जो है वो ब्लॉक करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक जैम होने के बाद, जो सड़क बंद होने के बाद काफी बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं और ट्रॉलर हैं वो माड़ीपुर रोड पर मौजूद थे, और ये तकरीबन 30 मिनट जो है वो ट्रैफिक के लिए सड़क मुकम्मल तौर पर बंद रही है। अब ट्रैफिक को की जो सड़क है वो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई और पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात कर दी गई है। जी ठीक। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि ये जो लियारी का इलाका है, यहाँ पर जो बिजली का इनका मसला है अहले इलाका का, ये लोड शेडिंग का मसला है या कुछ अरसे से बिजली बंद है, कुछ घंटों से या कोई एक दो दिन से, ये असल में मसला क्या है यहाँ पर? देखिए, लियारी के जो मकीन है उनका ये कहना है कि तमाकुर के साथ लोड शेडिंग की जाती है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में कई कई घंटे जो है पूरे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बाद जो शहरी है, जो इलाका मकीन है वो काफी अजियत से दो चार होते हैं। यही सिचुएशन पानी और गैस की है, तो बुनियादी सहूलियात जो है वो लियारी के मकीनों को नहीं मिल रही है, जिसके बाद वो ये एहतजाज कर रहे थे। और यह उनका कहना है कि आज का मसला नहीं है, ये कई सालों से ये मसला चला आ रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में, तभी वो आज एहतजाज कर रहे थे, और जिसके बाद पुलिस ने इनको शेलिंग करके सड़क को मुकम्मल तौर पर क्लियर कराया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका।